children, I am Mrs. Parvati Kumari. Today is 27th day of online class for IA second year students. बच्चों, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर 7 से विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन पढ़ा रही थी, जिसमें विजयनगर में किन किन वंशों के शासकों ने शासन किया इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम इसमें आगे अन्य शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अन्य शासकों में हम संगम तथा सालु वंश पढ़ चुके हैं। आगे हम तुलु वंश, ध्यान दीजिएगा, तुलु वंश पढ़ेंगे। तुलु वंश, इसका समय है 1505 से 1570 ईस्वी, 1505 टू 1570, 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक। इसमें पहला शासक था वीर नरसिंह, शासक है वीर नरसिंह। इसका शासन काल 1505 से 1509 ईस्वी, 1505 टू 1509, 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक था। वीर नरसिंह ही तुलु वंश का संस्थापक था, अर्थात स्थापना करने वाला। तुलु वंश में अगला शासक है कृष्णदेव राय। इनका समय है 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी, 1509 टू 1529 ईस्वी। कृष्णदेव राय विजय नगर का महानतम शासक था, अर्थात विजयनगर का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेव राय विजयनगर का एक महान शासक था। कृष्णदेव राय के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पूछता है कृष्णदेव राय के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रूढ़ को परास्त किया तथा उसकी कन्या से विवाह किया। 1520 ईस्वी में उसने सुल्तान आदिल शाह को पराजित कर बीजापुर को जीता। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, को उसने भटकल में दुर्ग निर्माण, दुर्ग खाई को कहा जाता है, दुर्ग निर्माण की अनुमति प्रदान की। पहले के समय में राजाओं के महल के किनारे दुर्ग बनाया जाता था, खाई बनाया जाता था, जिससे कि दुश्मनों से
अपने राज्य को या अपने क्षेत्र की सुरक्षा की जा सके। इसका उदाहरण अभी भी मौजूद है, दक्षिण भारत का भेलोर नामक स्थान है जहाँ टीपू सुल्तान का मकबरा है, उसके चारों ओर दुर्ग बना हुआ है। उड़ीसा विजय के उपलक्ष में विजयनगर भवन का निर्माण कराया, वह एक महान विद्वान तथा कला व विद्या का पोषक था, तथा कला और विद्या को संरक्षण देता था। तेलुगु राजनीति पर उसने अमुक्त माल्याद, ध्यान दीजिएगा, अमुक्त माल्याद नामक तेलुगु भाषा में कृष्णदेवराय ने ग्रंथ लिखा। कई बार इसके बारे में प्रश्न भी पूछा गया है। इस पर प्रश्न आता है, अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना किसने की? तो बच्चों, अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। उसने संस्कृत नाटक जाबवंती कल्याणम का भी सृजन किया। इसके काल में तेलुगु साहित्य की उन्नति हुई। इसके दरबार के 8 विद्वानों को अष्ट दिग्गज कहा जाता है। अष्ट दिग्गज का मतलब होता है 8 शक्तिशाली व्यक्ति। उसने स्वयं को आंध्र भोज कहा। जन कल्याण यानी जनता के कल्याण हेतु उसने कृषि की उन्नति के लिए अनेक तालाब व नहरों का निर्माण कराया। उसने विवाह कर यानी विवाह पर जो टैक्स लगता था, शादी विवाह में जो टैक्स लगता था को समाप्त किया। कृष्णदेव राय की 2 रानियां थीं जिनके नाम तिरुमला देवी एवं चिंता देवी था। तिरुमला के ही नाम से तिरुपति मंदिर का निर्माण कराया गया है। तिरुमला नामक स्थान में तिरुपति मंदिर का निर्माण किया गया है साउथ में, दक्षिण भारत में। कृष्णदेव राय ने स्थापत्य कला को भी प्रोत्साहित किया। उसने अपनी माँ नागला देवी के नाम पर नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। कहा जाता है कि उसने विट्ठल स्वामी मंदिर, ध्यान दीजिएगा, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर एवं पंपा देवी मंदिर का भी निर्माण कराया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार विट्ठल मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय ने कराया था। कृष्णदेव राय ने कई महत्वपूर्ण मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ा। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, प्रायः ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि गोपुरम किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोपुरम किसे कहते हैं? गोपुरम का अर्थ होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। उसने रायचूर द्वाब पर भी आधिपत्य
स्थापित किया। दुआब अर्थात दो नदियों की बीच की भूमि। पुर्तगाल के विदेशी यात्री एडुवर्डो बारबोसा एवं डोमिंगोस पेज कृष्णदेव राय के काल में ही विजयनगर आए। इन दोनों ने ही राजा कृष्णदेव राय के व्यक्तित्व एवं चरित्र की प्रशंसा की है। पेइस ने विजयनगर को रोम अर्थात इटली के समान वैभवशाली व विश्व का सर्वोत्तम नगर बताया है। कृष्णदेव राय ने अपने ग्रंथ अमुक्त माल्याद में राजा के व्यापार संबंधी दायित्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं को खुले तौर पर आयात किया जा सके। राजा का यह भी दायित्व होता है कि वह उन विदेशी नाविकों की भली भांति देखभाल की जो तूफान, बीमारी अथवा थकान के कारण अनेकों राज्य में उतरे हैं। धन्यवाद।